प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर दिया जोर, कहा काम की व्यस्तता और गतिहीन जीवन शैली अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती है। एकनाथ खत्सेड़ा का बड़ा बयान, बोले मैन फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बनाने का किया था विरोध। दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस को छोड़ सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा 3 दिन में मेरी सीट का माइक बंद। अडानी मामले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अडानी मामले पर हम देंगे सबूत, सरकार को मिलकर घेरेंगे 18 विपक्षी दल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश में H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब तक 8 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस से जान गंवा दी है। वहीं यूपी में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि H3N2 को लेकर अलर्ट मोड पर रहे। सभी जिलों में रोगियों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, हर रोगी की सघन निगरानी की जाए और दैनिक मॉनिटरिंग की जाए। आम लोगों को इसके लक्षण के बारे में जानकारी और बचाव के उपाय बताए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अस्पतालों में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं और सैंपल की जाँच के लिए जिन 13 लैब में व्यवस्था की गई है, वहां किसी भी चीज की कमी ना हो। खबर हरदोई से है, जहां आलू किसानों की समस्या को लेकर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनके बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद में कोल्ड स्टोर संचालकों, आलू किसानों, उद्यान और मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की, जिसके बाद मंत्री ने सांडी रोड विलग्राम स्थित कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया, जिसमें किसानों की समस्या और कर्मचारी की अनुपस्थित पाए जाने पर 15 मिनट में निलंबन के आदेश दिए। साथ ही जिला उद्यान अधिकारी के ऊपर बैड एंट्री दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंत्री अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 16 मिनट होगा तो तुम्हारा निलंबन भेज दूंगा। ये ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है, कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? अश्विनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहां लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पे खड़ा हूं, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूं? 15 मिनट में मैं यहां से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊं, उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैड एंट्री दर्ज कराता हूं। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी यहां पर ड्यूटी पर क्यों उपस्थित नहीं है? खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल दागे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने पूछा कि स्मृति ईरानी अपने वादे किए थे उन पर बोलिए, 13 रुपए किलो चीनी और सस्ता सिलेंडर कब से मिलेगा? साथ ही दीपक सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने विदेश की धरती पर भारत देश में पैदा होना शर्म की बात बताई थी, जिस देश में पैदा होना गर्व की बात है। यहाँ पर भगवान बुद्ध, श्री राम और श्री कृष्ण जन्म लिए थे, उस देश का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मुंह कब खोलेंगी? राहुल गांधी जी का चालीसा पढ़कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाली स्मृति ईरानी जी से मेरा सवाल है कि जहां से चुनकर आती हैं वो अवध पर क्षेत्र है और यहां के बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
स्मृति ईरानी जी, आप 2019 में मोदी जी का संदेश लेकर आई थी और अमेठी के लोगों से झूठे वादे किए थे गांव गांव जाकर कि हम 13 रुपए किलो चीनी वितरण कराएंगे। वादा कब पूरा होगा? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गैस सिलेंडर के दाम 400 से भी कम थे, तब सिलेंडर लादकर घूमती थी और सस्ते सिलेंडर का वादा करती थी देश की और प्रदेश की जनता के साथ। जब आज सिलेंडर 1000 रुपए ज्यादा है, बाराबंकी जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक किसान राकेश की मौत होने का मामला सामने आया है, जहां बिजली कनेक्शन होने के बावजूद विभाग ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए 70,000 की नोटिस जारी कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने और 70,000 रुपए की नोटिस जारी होने के सदमे में उपभोक्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि लोनी कटरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये शुक्र वाले दिन बिजली वाले आए थे, आपने मीटर वीटर सब नोचने लगे, सब धमकी दे रहे हैं कि रिपोर्ट करेंगे, जो है कि जेल जाओगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर होगा। हर बार की गम के लिए तुरंत हमारा आदमी चटपट रह गया। कहीं शिकायत की आपने? ना, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना बीमार ना दुखी, कुछ नहीं। नहीं, कोई अधिकारी यहाँ आया था आपके यहाँ? हाँ, आया रहा उस दिन, जो है कि भाई मीटर वीटर सब नोच रहे रहा। अच्छा, तो जो है कि हम लोग के है कि भैया पैसा नहीं जमा कर पाए, तो जमा करेंगे थोड़ा थोड़ा, मजदूर आदमी, हम क्या करें। इस खबर पर हमारे संवाददाता आनंद अवस्थी हमसे जुड़ेंगे। आनंद, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसान की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? मेरी जी पूरा बताना चाहेंगे कि बिलवल चौराहे का मामला है, जो 70,000 रुपए की नोटिस किसान को थमा दी गई जाके बिल चेक करके, और उसका पहले बिल भी जमा हो रहा था, उसके बाद उसी हृदयगत से उसकी मौत हो चुकी है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बिजली बिल जमा होने के बावजूद भी 17,000 का एकदम से बिजली बिल जब दिया गया वहाँ पे, तो किसान की हृदय गति मौत हो गई। और आए दिन बिजली विभाग की चोरियों के ऊपर सख्ती नहीं कर रहा है, जहाँ 24 बिल जलाए जा रहे हैं और जिनके कनेक्शन लगे हैं, कनेक्शन जांच भी कर रहे हैं और जबरदस्ती घरों में घुसकर उनकी जांच भी करी जा रही है। मीटर बाहर लगा हुआ है, उसके बाद घरों तक जाँच की जा रही है, उनके घर के अंदर जाकर। जी धन्यवाद आनंद तमाम जानकारियों के लिए। यूपी की जेलें अपनी कैदियों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। कभी जेल में निरुद्ध अपराधियों द्वारा फिरौती और हत्या की साजिश के लिए, तो कभी मिल रही सुविधाओं को लेकर। वहीं रायबरेली जेल भी बुधवार को उस समय चर्चा में आ गई जब जेल में सजा काट रहा एक बंदी ने सुरक्षा कर्मियों को धोखा देकर दीवार फांद कर फरार हो गया। इसकी भनक जैसे ही जेल प्रशासन को लगी, उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में फरार बंदी की तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार रायबरेली जिला जेल में 2020 से चोरी के जुर्म में निरुद्ध बंदी राजकुमार, जो की खीरो थाना क्षेत्र का निवासी था, आज अन्य बंदियों के साथ जेल के कृषि फार्म पर आलू खुदाई के लिए गया था। 10 बंदियों की देखरेख के लिए एक हेड वार्डर और 3 संतरियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद राजकुमार शौचालय जाने का बहाना कर कृषि फार्म की दीवार फांद कर रफू चक्कर हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही जेल प्रशासन को लगी, उसके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई, फरार बंदी की तलाश शुरू कर दी गई। आलू खुदाई करने के लिए बाहर कमान में, बाहर कृषि फार्म में बंदी राजकुमार गया था। बंदी राजकुमार पुत्र राम किशन, निवासी खीरो रायबरेली, जो कि चोरी के केस में 1 साल के लिए सिद्ध दोष किया गया था, वो वहाँ से पलायित हो गया। आलू खोदने के दौरान वो शौचालय करने का बहाना बनाया और वो वहाँ से पलायन कर गया। श्री राम नरेश हेडवार्डर उसके प्रभारी थे तथा 4 साथ में 3 संतरीगण भी लगे हुए थे, 10 बंदियों के साथ गया था। उसमें
पुनर्गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संबल जिले में बीते 3 दिन पहले एक पत्रकार को भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुलाबो देवी से सच पूछना भारी पड़ गया, जहां आरोप है कि गुलाबो देवी ने अपने कार्यकर्ता से झूठी तहरीर दिलाकर पत्रकार पर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया और उस पत्रकार की गिरफ्तारी भी एक मुजरिम की तरह पुलिस द्वारा की गई, जिस पर जनक्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार ने मंत्री जी से उनसे उनके विकास कार्य की ही तो बात कही थी, जिस पर पत्रकार को हथकंडी लगाकर गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ उन्होंने संबल पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की बात कही है। को जेल की हवा खानी पड़ गई, क्या था पूरा मामला? ये मामला ये था कि मैं अपने जैसे कि सोत नदी पर बांध का उद्घाटन हो रहा था, तो वो जैसे कह रही थी कि मैंने 75 लाख रुपए एक गांव के निर्माण में लगा दिए हैं, तो मैंने केवल उनसे सवाल जवाब पूछा था कि आप जो आपने 75 लाख या जो ऊपर की राशि लगाई है उसका आप हिसाब दे दीजिए कि आपने कहाँ लगाए हैं, क्योंकि इस गांव में नहीं नालियाँ हैं, नहीं बारात घर है, नहीं रास्तों की कोई सुविधा है, तो आपने ये 75 लाख रुपये किस जगह लगाए हैं? कोई तो रीज़न होगा जो रुपये जहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझसे बहस कर दी थी कि जो आप जो भी बात करें पत्रकार की तरह करें, तेरी आंखें दिख रही हैं। तो संबल का मामला प्रकाश में आ रहा है जिसमें एक पत्रकार ने कुछ सच पूछ लिया एक भाजपा की जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री महोदया हैं, तो क्या जानकारी है उस विषय में आपको? ये मेरा नाम मनीष यादव है और मैं जनक्रांति एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जनक्रांति एकता मंच सामाजिक संगठन है। देखिए, जनपद संबल से जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि एक पत्रकार है संजय राणा, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी जी हैं, उनसे पूछा गया कि आपने क्या जो वायदे किए थे उन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिस पर मंत्री। हरदोई में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री और राज्य मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। श्रमिक परिवार के 1250 वर वधु ने एक दूसरे का दामन थामा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1175 वर वधु ने फेरे लिए हैं, तो 75 का निकाह पढ़ाया गया। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसमें सामूहिक विवाह योजना के जरिए गरीब की बेटियों के हाथ पीले किए जा रहे हैं। इसके पहले तो मैं खुद को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और श्रम विभाग के तरफ से तमाम बहनों के हाथ को पीला करने का कार्यक्रम श्रम विभाग चला रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक कन्या का विवाह पता नहीं कितने पुण्य के बराबर होता है, तो अभी तक मैंने 5 मंडली सामूहिक विवाह संपन्न कराए हैं इस तरह के समारोह। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस